स्टार्ट कर दो इसमें, आगे की कहानी स्टार्ट कर दी जाए, फिर बताओ। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो आगे की कहानी आज हम स्टार्ट करेंगे कहां से? आज का हमारा टॉपिक होगा थेलो फाइटा, थेलो फाटियो, ए लाला थेलो फाटियो, थेलो फाटियो भाई, थेला थेलो फाइटा, ये हम आज यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग सब तैयार हो थेलो फाइटा पढ़ने के लिए? अब देखिए जी, अब यहां पर आपको एक चीज जो समझने वाली वो ये कि थेलो फाइटा जो होगा इसमें ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी, हरा सेवाल, लाल सेवाल और भूरा सेवाल तीनों पढ़े जाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या होगा, उससे पहले इसके कुछ जनरल करेक्टर्स की बात करेंगे जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और वो हमारे को ध्यान होने चाहिए। उससे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सी लाइन से पूछा जा सकता है, किस टाइप से पूछा जा सकता है, वो सारी चीजें पहले मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे कि ग्रीन एल्गी में क्या है, ब्राउन एल्गी में क्या है और रेड एल्गी में क्या है। चलिए जी, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं थेलो फाइटा। और थेलो फाइटा को जब स्टार्ट करते हैं तो वर्ड को हम स्प्लिट करते हैं थेलो प्लस फाइटा, यानी थेलस प्लस फाइटा हुआ, जिसमें थेलो का मतलब तो हो गया बच्चों क्या, थेलस, ये मैंने लास्ट क्लास में ही आपको बता दिया था, थेलस वर्ड आता है। और दूसरा क्या होता है, फाइटा, फाइटा मतलब हो जाता है जी प्लांट, पादप, प्लांट। फाइटा किसके लिए आता है, प्लांट के लिए आता है। वैसे टैक्सोनॉमी कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूं तो फाइटा कौन सी टैक्सोनॉमी कैटेगरी होती है बताइए, रिवीजन करने के लिए मैं लिख रहा हूं यहां पर, टैक्सोनॉमी कैटेगरी बताओ जी, टैक्सोनॉमी कैटेगरी कौन सी है ये? तो आपको अगर सफिक्स याद हो तो किंगडम, फिर डिवीजन, फिर उसके बाद में क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीशीज। उनमें से याद कीजिए, किंगडम का कोई सफिक्स नहीं होता था, लेकिन जैसे ही हम डिवीजन पर आते हैं, डिवीजन पर आते ही उसका सफिक्स आ जाता है फाइटा, यानी ये फाइटा लग गया। तो थेलो फाइटा कौन सी टैक्सोनॉमी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है यहां पर डिवीजन को। याद हुआ क्या, रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ बोलो फटाफट। तो थेलो फाइटा जो है, अगर पूछा जाता है थेलो फाइटा कौन सी टैक्सोनॉमी कैटेगरी है, तो हम कहेंगे कि ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डिवीजन है ये। ठीक है, अगर एनिमल होता तो फाइलम कहते, प्लांट है तो डिवीजन कहेंगे। लेकिन मीनिंग की बात की जाए तो थेलस मतलब है थेलस और फाइटा यानी प्लांट। और थेलस का मतलब क्या होता है, तो थेलस का मतलब होता है जिसमें प्रियो रूट प्रियो लीफ एंड प्रियो स्टेम आर अब्सेंट, जिसमें ये तीनों चीजें अब्सेंट होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है थेलस। और जिसमें तीनों चीजें प्रेजेंट होती है उसको कहा जाता है कोर्मोफाइटा। याद आया कल, कोर्मोफाइटा का मतलब जिसमें प्रियो रूट हो, प्रियो स्टेम हो, प्रियो लीफ हो, उसको कोर्मोफाइटा कहते हैं। और जिसमें तीनों चीजें अब्सेंट हो उसको कहा जाता है थेलस। तो यहां पर आ गया अपना कि थेलोफाइटा का मीनिंग समझ में आ गया, थेलस प्लस प्लांट जिसमें प्रियो लीफ और स्टेम आपके अब्सेंट रहने वाले। ठीक है सर, अब बात आती है कि सर थेलोफाइटा जो है ना इसमें मिलता क्या है, तो थेलोफाइटा में मेनली क्या प्रेजेंट होता है बताओ। तो आपने सबने सुना होगा क्या कि थेलोफाइटा में हम पढ़ते हैं एल्गी, और एल्गी ठीक है, एल्गी में जी स्पेसिफिक होता है कि नहीं होता बताओ जल्दी से, है ना, अपना ट्रेडमार्क क्या है, जी। तो जी ट्रेडमार्क है तो इसको बना दिया जाए, ये लीजिए। तो यहां पर एल्गी जो है ये अपना क्या हो जाएगा, इसका डोमिनेंट मेंबर। अब कईयों को समस्या आती है इसमें, कईयों को समस्या क्या आती है वो सुनिए, कईयों को समस्या ये आती है कि कई बार क्या करता है एग्जामिनर, वो आपको एल्गा लिख करके दे देता है, सिर्फ एल्गा लिखा और इतना सा दे दिया। ठीक, और कई बार क्या होता है वो आपको एल्गी लिख करके दे देता है। अब समस्या क्या आती है, गुरुजी ये तो एल्गी लिखा था सर, ये तो एल्गा लिखा है सर, यहां तो देखोगे तो एल्गी जो है और एल्गा जो है, तो बोलने में बहुत बड़ा डिफरेंस है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होना चाहिए। एल्गी एल्गी यानी लगता है कि ये तो स्त्रीलिंग होगा, एल्गा मतलब ये तो होगा पुल्लिंग, अरे भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों चीजें एक ही है, एल्गी लिखो या एल्गा लिखो आपको दोनों चीजें सेम मान करके चलनी है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है, जैसे हाइफी भी लिखा जा सकता है तो हाइफा भी लिखा जा सकता है, ये बात क्लियर हुई। हाँ, तो एल्गी जो है वो इसका मेंबर होता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो थेलोफाइटा है ना इसका हैबिटेट क्या होगा, हैबिटेट लिख लेते हैं यार। ठीक है, अब आपको एक एक पॉइंट पढ़ना बेटा जी, हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट की मैं बात करूं तो हैबिटेट क्या होगा, ठीक है, हैबिटेट क्या होने वाला है, तो हैबिटेट में क्या होगा वो सुनिए देखो, हैबिटेट में क्या होगा, ये एल्गी जो है ये आपको पता है एल्गी यानी सेवाल, एल्गी का मतलब क्या हुआ, सेवाल हुआ, सेवाल कह दो, ये अपने साधारण भाषा में, देसी भाषा में बोले तो हम कहते हैं काई होती है जी। सबने देखी होगी यार, नल जो होता है घर के आसपास में, पानी जो होता है उसके आसपास में देखा होगा ग्रीन कलर का कारपेट सा बिछावा होता है, ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर लगी हुई होती है, जिसको बोलते हैं कोई उसको सेवाल कह देता है, कोई उसको एल्गी कह देता है, कोई उसको देसी भाषा में बोले तो बोलते काई लगी हुई है। तो वो जो काई है वो कहां मिलेगी, पानी के आसपास मिलती है। इसका मतलब इसका हैबिटेट के बारे में लिखें तो क्या लिखेंगे, तो हैबिटेट में लिखेंगे कि भाई ये एल्गी जो है वो मोस्टली क्या होगा, मोस्टली होगा बच्चों एक्वेटिक। बहुत बढ़िया सर, पानी के आसपास में मिलती है इसलिए एक्वेटिक है। लेकिन बात यही खत्म नहीं हो जाती है, एक्वेटिक है पानी में मिलती है, बात तो ठीक है, तो पानी में मिलती है तो पानी कौन सा भाई, फ्रेश वाटर भी होता है तो मैराइन वाटर भी होता है, यानी स्वच्छ जल भी होता है तो समुद्री जल भी होता है, तो कौन से में मिलेगी, तो हमारे घर के आसपास में जो है वो कौन सा होता है, वो होता है फ्रेश वाटर। और समुद्र की बात करें तो वहां पर भी मैराइन वाटर में भी होता है, इसका मतलब एक्वेटिक तो है, लेकिन एक्वेटिक में क्या हो जाएगा, तो एक्वेटिक में हम कह रहे हैं कि एक्वेटिक में दोनों पॉसिबिलिटी है, क्या क्या, तो ये फ्रेश वाटर में भी हो सकती है और ये फ्रेश के साथ साथ मैराइन वाटर में भी हो सकती है, ये लो जी। तो फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर दोनों के अंदर ये प्रेजेंट रहती है। तो क्या गुरुजी यही पर मिलती होती, नहीं मिलती पानी के अलावा, बात तो यार ठीक कर रहे हो कि पानी नहीं मिलती है तो क्या पानी के अलावा वो कहीं नहीं मिल सकती क्या भाई, सोचो देखो पानी के अलावा कहीं और एल्गी को देखा है क्या, हाँ बिल्कुल देखा होगा, पानी के अलावा वो कहीं भी मिल सकती है, कहाँ मिल सकती है, कहाँ मिल सकती है, तो कभी भी हिल स्टेशन पे जाओ तो वहां देखना कि जो पत्थर वगैरह होते हैं, टाने वगैरह होती है उनके ऊपर भी एल्गी मिल जाती है भाई साहब कई बार, क्यों, क्योंकि उस एरिया में क्या होता है, उस एरिया के अंदर मॉइस्ट होती है, उस एरिया में क्या होता है मॉइस्ट प्रेजेंट होती है, यानी नमी जो है वो प्रेजेंट होती है, और जहां नमी प्रेजेंट होगी वहां पर एल्गी बिल्कुल मिल सकती है। तो यहां पर क्या लिखे कि मोस्टली एक्वेटिक है बट ऑल्सो प्रेजेंट ऑन मॉइस्ट स्टोन। ठीक है, मॉइस्ट स्टोन जो होगा वहां पर भी मिल सकती है, मॉइस्ट सोइल जो होगी वहां पर भी मिल सकती है, मॉइस्ट वुड जो होती है वहां पर भी, यानी जहां पर थोड़ी बहुत नमी भी है ना वहां पर भी ये पाई जा सकती है। वैसे मोस्टली कहां मिलती है, मोस्टली वाटर में मिलती है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है इसका हैबिटेट, और क्या और कहां मिल सकती है, सोचो देखिए एक बार, कहां मिल सकती है एल्गी, तो पानी में मिल सकती है, ठीक है सर, पत्थरों के आसपास में मिल जाती है, जहां पर मॉइस्ट वगैरह होती है वहां मिल जाती है, और कहां, तो भाई साहब एल्गी जो होती है ये सिम्बायोसिस में भी मिलती है, पढ़ा है, अरे पढ़ा होगा मेरे प्यारे गधों, सिम्बायोसिस में, हां गधे भी तो प्यारे होते हैं, हां तो ये सिम्बायोसिस में भी एल्गी मिलती है लाला, सिम्बायोसिस में भी एल्गी मिलेगी जी। अब सिम्बायोसिस में कहां मिलती है बताओ, तो सिम्बायोसिस में अगर हम कहें तो पहला एग्जांपल क्या होगा, लाइकेन। देखिए मैं एक एक चीज बता रहा हूं आपको जो एनसीईआरटी में लिखी गई है, जो आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन मैंने पॉइंट टू पॉइंट कर दिया यहां पर,
अब फर्क क्या होता है, एनसीईआरटी में पढ़ते हो तो ये सारी चीजें आपको एक लाइन में लिखी हुई मिल जाती है। यहां मैंने क्या कर दिया, यहां मैंने लिख दिया कि इसको अलग अलग पॉइंट बना के, ओहो गुरुजी ने तो पता नहीं कितना पढ़ा दिया भाई, बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया लाला, ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया। यही सारी चीजें एनसीईआरटी में लिखी, अच्छे से अपने आंखों की पुतलियों को बढ़ा करके, अपने आंखों की पुतलियों को बढ़ा करके देखोगे तो आपको ये सारी चीजें नजर आएंगी उसमें। ऐसा कैसा लिखा है, बस फर्क क्या है, फर्क ये है कि मैंने पॉइंट टू पॉइंट कर दिया उनको, तो एक्स्ट्रा नहीं है ये, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, लाइकेन जो है इसमें आ गया, लाइकेन के अलावा और किसके साथ सिंबायोसिस करती है, तो यह आ जाएगा विद स्लॉथ बियर, विद स्लॉथ बियर, स्लॉथ बियर के साथ में भी ये सिंबायोसिस कर देता है। स्लॉथ बियर लिखना है, स्पेलिंग ध्यान रखना, बी ए आर लिखना, बी डब्ल्यू आर मत कर देना भाई साहब, बी डब्ल्यू आर करते ही हो जाएगा कलेस, क्या हो जाता है, बी डब्ल्यू आर करते कलेस हो जाता है बियर, फिर मामला सेट, ठीक है। तो ध्यान रखना स्लोथ बियर के साथ में भी सिंबायोसिस करता है, स्लोथ बियर के साथ में कौन सी एल्गी सिंबायोसिस करती है, ये एक्स्ट्रा चीज है क्योंकि एनसीईआरटी ने नाम नहीं दिया एल्गी का, स्लोथ बियर के साथ में सिंबायोसिस करता है एल्गी, लेकिन कौन सी एल्गी करके नाम नहीं लिखा, तो नाम मैं यहां बता देता हूं, वो होती है ट्राइकोपिलस, ये लीजिए ट्राइकोपिलस, और ग्रीन कलर से क्यों लिखा है, क्योंकि ये होती ही ग्रीन एल्गी है। तो जो स्लोथ बियर होता है ना, देखा होगा कभी, तो स्लोथ बियर जो होता है उसके जो ऊपर के शरीर के जो होता है बॉडी होती है उसके ऊपर के जो हेयर्स वगैरह होते हैं उनके साथ में सिंबायोसिस रहता है, ठीक है। तो ये आपके ट्राइकोपिलस एल्गी है, ये एक्स्ट्रा चीज बस पढ़ लेना एक बार, आपको ध्यान है ग्रीन एल्गी होती है जो स्लोथ बियर के साथ सिंबायोसिस में रहती है, लेकिन कुछ एल्गी पैरासिटिक भी होती है, पैरासिटिक एल्गी भी होती है जी। देखो मैं एक टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूं, उसमें पहले मैंने टॉपिक हैबिटेट उठाया, तो हैबिटेट को ही पूरा करूंगा पहले, उससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो होती है। स्लोथ बियर क्या होता है, अनुराधा चौहान, स्लोथ बियर होता है भालू, 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 स्लोथ बियर भालू को कहा जाता है। हां जी, अमित नहीं, अमित नहीं, किसी और ने ही पूछा है कि सर स्लोथ बियर जो है वो फायदा क्या होता है, मुद्दा यहां पर फायदे का नहीं है, मुद्दा यहां पर यह है कि वो स्लोथ बियर के साथ सिंबायोसिस करता है, कौन सी एल्गी करती है। मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताया, मैंने देखो क्या कहा था, एनसीईआरटी से बियॉन्ड जाएंगे हम, लेकिन कितना, 10 से 20% मैक्सिमम, उससे ज्यादा बियॉन्ड नहीं जाना। अब हमारे को इसके पीएचडी नहीं करने के, हां बात ठीक है आपकी, किसान मेरे को पता होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसे पता करेंगे बेटा तो कभी सिलेबस नहीं हो पाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो या तो हम क्लास के बाद में बात करें इसके बारे में, या फिर गूगल पे सर्च करें, अवेलेबल होता है, आप सर्च भी करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, हेलो, हाँ जी, तो ये यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट, अब मैं क्या कह रहा था आपको इसमें, एक मिनट में मोबाइल को बंद कर देता हूं, तो लोग प्रेशर करेंगे बहुत। हाँ जी, अब हम क्या बात कर रहे थे कि ये जो है एल्गी पैरासिटिक हो सकती है, पैरासाइटिक फॉर्म में भी मिल सकती है, और पैरासाइटिक फॉर्म में जब ये एल्गी मिलेगी तो कौन सी एल्गी, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, पैरासाइटिक एग्जांपल तो ये हो जाता है सिफेलो, सिफेलोरस, ठीक है, सिफेलोरस जो होती है ये होती है, और सिफेलोरस जो एल्गी होती है इसको हम टी और कॉफी रस्ट कहा जाता है, टी और कॉफी रस्ट इसको कहा जाता है, टी और कॉफी के ऊपर पैरासाइटिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है। बस ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बाकी कुछ ज्यादा इसमें है नहीं, ये आपका पहला टॉपिक इसके हैबिटेट से रिलेटेड जो है वो हो गया पूरा समाप्त। बोले समझ में आया ये टॉपिक, यहां तक समझ में आया क्या, हां या ना, जल्दी बोलो, यहां तक पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया क्या। हाँ जी, दीवार पे चिपकी हुई हर चीज एल्गी नहीं होती है, दीवार पे और भी बहुत सारी चीजें चिपकी रहती है, ध्यान रखा करें, ठीक है, हर किसी चीज को हाथ लगा के एल्गी मत बोल देना, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर आ गया, बताओ जल्दी से, फिर आगे बढ़े, परफेक्ट है, चलिए आगे। तो एल्गी जो है इसका हैबिटेट हमने पहले कंप्लीट कर लिया, अब हैबिटेट एल्गी का जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में एल्गी जो है इसका क्या आएगा जी, क्या आएगा बोलो, तो एल्गी का आएगा बॉडी कंपोजिशन यानी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम एल्गी में। सेकंड टॉपिक क्या, देखो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे तो याद रहेगा, पहले आपने जितनी चीजें पढ़ी वो किसकी थी, हैबिटेट कहां मिलता है, पानी में मिलता है, पानी के आसपास में जहां पर मॉइस्ट होती है वहां मिलता है, कुछ पैरासिटिक है कुछ सिंबायोटिक है, टॉपिक पूरा एक साथ कंप्लीट हो गया, बिखरा हुआ टॉपिक नहीं है, पूरा टॉपिक एक साथ आ गया कि कहां कहां एल्गी मिल सकती है। तो अब बात कर लेते हैं एल्गी जो है उसकी बॉडी कैसी होगी, एल्गी जो है इसका बॉडी कैसा रहेगा, तो एल्गी में बॉडी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करना चाहें तो हम कहते हैं सबसे पहले एल्गी जो होगी ये यूनिसेलुलर हो सकती है क्या, हाँ जी बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, ये लीजिए, तो एल्गी यूनिसेलुलर प्रेजेंट होती है, बिल्कुल होती है। यूनिसेलुलर का एग्जांपल बताओ जी, एग्जांपल लिखेंगे भाई कौन सी होती है यूनिसेलुलर एल्गी, तो यूनिसेलुलर में एक आपका सबसे फेवरेट क्या होता है, क्लेमाइडो, क्लेमाइडोमोनास, तो क्लेमाइडोमोनास ये जो एल्गी है ये यूनिसेलुलर एल्गी यानी एक सेल में इसकी पूरी बॉडी खत्म हो जाती है, ठीक है, तो यूनिसेलुलर होगी, ठीक है सर। यूनिसेलुलर के अलावा कोई और भी स्ट्रक्चर हो सकती है, तो हम कहते हैं एल्गी कॉलोनियल भी होती है, यानी पूरी कॉलोनी मिल जाती है एल्गी की पूरी कॉलोनी होती है, और पूरी की पूरी जो कॉलोनी होती है वो किस में प्रेजेंट होती है, तो ये प्रेजेंट होती है जी वॉल बॉक्स में। अगर आप इसका डायग्राम देखोगे ना तो आपको लगेगा जैसे फुटबॉल बना हुआ, बिल्कुल फुटबॉल के जैसा डायग्राम आपको दिखता है, तो वॉल बॉक्स जो होगा वो कॉलोनी एल्गी होता है, कॉलोनी में प्रेजेंट होता है। अब कॉलोनी जो है इसकी कॉलोनी को क्या कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज पूछा हुआ भी है, इसकी कॉलोनी को क्या कहा जाएगा, तो इसकी कॉलोनी को कहा जाता है सिनोबियम, तो क्या बोला जाएगा सिनोबियम, सिनोबियम कहा जाता है, तो ये थोड़ा सा नाम ध्यान रखना बस आपको कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, तो सिनोबियम जो है इसको कहा जाएगा, ठीक आई लगा दी मैं, हाँ ये लीजिए, तो सिनोबियम कह दिया। और क्या हो सकता है, तो कॉलोनी के अलावा एल्गी जो है ना वो फिलामेंटस भी हो सकती है, तो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर भी इसकी प्रेजेंट होती है। तो ये तीन टाइप की स्ट्रक्चर एल्गी की मिलेगी, या तो वो मिलेगा क्या, या तो मिलेगा यूनिसेलुलर जैसे क्लेमाइडोमोनास में, या मिलेगा कॉलोनियल जैसे वॉल बॉक्स में, वॉल बॉक्स में भी उसकी एल्गी को क्या कॉलोनी को क्या कहते हैं सिनोबियम कहते हैं, और फिलामेंट लाइक भी होता है, ज्यादातर एल्गी फिलामेंट जैसी होती है, लेकिन फिलामेंट की जब बात आती है लाला तो फिलामेंट जैसा होगा, तो फिलामेंट में ऑप्शन आते हैं हमारे पास दो, कौन कौन से दो, कि फिलामेंट अगर है तो उसमें ब्रांच बन सकती है, ब्रांच बन सकती है या नहीं भी बन सकती, यानी फिलामेंट जो है वो दो ऑप्शन है हमारे पास क्या, कि या तो वो होगा फिलामेंटस ब्रांच्ड यानी उसमें ब्रांच बन जाएगी, और या होगा वो फिलामेंटस नॉन ब्रांच्ड यानी ब्रांच प्रेजेंट नहीं होगी, समझ में आई ये बात, फिलामेंटस है, फिलामेंट लाइक है, लेकिन ब्रांच बनेगी या नहीं बनेगी ये दोनों चीजें डिफरेंट है,
तो ब्रांच बनेगी या नहीं बनेगी, तो ब्रांच किसमें बनती है और किसमें ब्रांच नहीं बनती, ये इंपॉर्टेंट चीज है जी, ये इंपॉर्टेंट है, ये अंदर की बात है। क्या तो अंदर की बात क्या है लाला, अंदर की बात यह है नॉन ब्रांच जो है इसमें आता है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा जो होता है ये नॉन ब्रांच होता है, फिलामेंट होगा लेकिन ब्रांच नहीं मिलेगी आपको, एक ही फिलामेंट मिलेगा और मिलेगा यूलोथ्रिक्स जो हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, यही दोनों इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना। स्पायरोगायरा यूलोथ्रिक्स दोनों फिलामेंटस है लेकिन ब्रांच क्या है बोलो फटाफट, दोनों फिलामेंटस है लेकिन ब्रांच दोनों में अब्सेंट, ब्रांच दोनों में प्रेजेंट होगी क्या, ना 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 नहीं होगी, समझ में आई कहानी ठीक है। लेकिन ब्रांच प्रेजेंट किसमें होती है फिर सर, तो ब्रांच प्रेजेंट होती है एक तो क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा याद होगा आपको कहीं पढ़ा है आपने, फोटोसिंथेसिस वगैरह में भी आता है ठीक है। उल्वा ये जो एल्गी होती है इनमें ब्रांच प्रेजेंट होती है, तो ये आपके बॉडी स्ट्रक्चर की कहानी भी हुई समाप्त। बताओ जी दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया क्या आपको, जल्दी बोलो जल्दी से, तुरंत प्रभाव से दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ सबको, दो पॉइंट पढ़ा चुका हूं एल्गी के, ना 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 हाँ अब नहीं गाना, अब नहीं गाना ना ना वाला है ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पूछ रहा हूं मैं आपको गाना नहीं गाना है ठीक है। हाँ एक चीज को लिख देता हूँ, वैसे आगे आता है लेकिन लिख देता हूँ बॉडी स्ट्रक्चर की बात चल रही, तो इसमें कैल्प फॉर्मेशन भी हो जाता है, कई एल्गी होती है ना उनमें कैल्प फॉर्मेशन भी रहता है, और कैल्प होता क्या है देखो, तो कैल्प का मतलब होता है कि बहुत बड़ी स्ट्रक्चर बन जाती है एल्गी की, बहुत बड़ी, और ये कहा जाता है लगभग 100 मीटर तक की हाइट की स्ट्रक्चर बन जाती है। और कैल्प का फॉर्मेशन किसमें होता है, तो ये होता है इन ब्राउन एल्गी, आगे बताऊंगा अभी आगे भी आएगा ये टॉपिक, तो इन ब्राउन एल्गी में ही ये टॉपिक बनता है, मतलब कैल्प बनता है बाकी नहीं बनता ठीक है जी। हाँ, तो दो टॉपिक हुए कंप्लीट, अब दो टॉपिक जैसे ही कंप्लीट हुए तो इसके बाद में तीसरा टॉपिक हम शुरुआत करते हैं एल्गी का, वो हो जाता है इसका रिप्रोडक्शन ठीक है। तीसरा टॉपिक आएगा रिप्रोडक्शन, अब रिप्रोडक्शन की जब बात करें तो भाई आपको सीधा सीधा पता है रिप्रोडक्शन जो है तो इसके टाइप होंगे अलग अलग, ऑब्वियस है रिप्रोडक्शन के टाइप होते ही होते हैं, तो रिप्रोडक्शन में कौन सा टाइप, तो ये सिंपल टॉपिक है इसलिए मैं जल्दी से फटाफट कर देता हूं। रिप्रोडक्शन में पहला टाइप का रिप्रोडक्शन जो होता है इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जानते हो सब लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पहला टाइप आता है, और वेजिटेटिव में एग्जांपल क्या होगा, तो वेजिटेटिव एग्जांपल हो जाता है जैसे फ्रेगमेंटेशन, कौन सा जाएगा फ्रेगमेंटेशन, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो सब समझते हो कि पहला टाइप का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है उसके लिए फ्रेगमेंटेशन एग्जांपल होता है, बहुत बढ़िया बहुत बहुत बधाई हो। तो दूसरा टाइप हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अरे बोलो रे छोरो बोलो रे यार तुम बोलो भाई फटाफट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अरे छोरो समझ में आ रही है कि नारी बताओ, छोरियों को भी बताना भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेकंड टाइप आएगा है ना। हाँ जी सुहानी नहीं सुहानी नहीं सुहासिनी, कारा ब्रांच में आता है क्या, कारा की कहानी पूरी में बताऊंगा लास्ट में ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि कारा यहां इनके साथ नहीं पढ़ा जाएगा, कारा भाई साहब एलगी का वीवीआईपी है, ऐसे ही नहीं है कारा, ऐसे कोई छोटी मोटी चीज नहीं, हल्के में मतलब कारा को तुम, कारा हल्के में लेने वाला नहीं है, उसके लिए अलग से एक क्लास लगेगी, वहां पढ़ेंगे कारा को हम ठीक है ना। हाँ हमसे तो पूछते ही नहीं है, माही कह रहे हैं क्या पूछूं माही, चलो बताओ तुम्हें खाने में क्या पसंद है, तुम्हें कौन सी मूवी पसंद है, तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन है, हमसे तो पूछते नहीं, क्या पूछूं भाई तुमसे है? चलो हमसे तो पूछते नहीं है ना, हमसे तो पूछा ही नहीं, आज मैं कौन नहीं कहूंगी मम्मी मेरे से तो पूछा ही नहीं सर ने, नाराज है ना आज है ना। हाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, बाई स्पोर, स्पोर के थ्रू हो जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, स्पोर के थ्रू होता है, लेकिन स्पोर में भी कौन सा, तो मोस्टली लिखेंगे क्या, मोस्टली कौन सा, जू स्पोर, क्यों जी, क्योंकि जू स्पोर है मतलब फ्लैजेला है यानी मोटाइल है, और मोटाइल किसमें मिलता है, मोटाइल वहीं हो सकता है जहां पानी की बात हो, एल्गी पानी में मिलता है इसलिए हम क्या बोलेंगे ये जो स्पोर्स में मोस्टली होता है। शिवांगी कह रही है मेरे मैसेज सीन नहीं करते, मैंने मैसेज सीन कर लिया, आपकी शिकायत दूर हो गई, चलिए जी बहुत बहुत बधाई हो। और अब आएगा तीसरे टाइप का रिप्रोडक्शन, उसको कह देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाएगा, हर टाइप ध्यान रखना स्पोर में भी मोस्टली अगर पूछा जाए तो कौन सा आएगा, मोस्टली अगर पूछा जाए तो ठीक है जू स्पोर, चले आगे बढ़े। अब क्या बोलूं मैं, ये क्या किसने कहा कि सर आप तो अपने है ना, सर आप तो अपने रसगुल्लों से पूछते हो हमसे पूछते ही नहीं हो, और ये किसी गर्ल ने लिखा था है ना, सर आप तो अपने रसगुल्लों से पूछते हो हमसे पूछते ही नहीं हो, तो भाई मेरे लिए तो रसगुल्ले आप सभी हो ना, रसगुल्ले का मतलब थोड़ा ना लड़के लड़के हैं, फिर लड़कियों के लिए क्या बोलूंगा रसगुल्ली है, लड़कियों के लिए क्या बोलूंगा फिर, रसगुल्ले मतलब सभी रसगुल्ले हैं। हाँ जी देखिए आप देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हमने दो टाइप पढ़ लिए रिप्रोडक्शन के, कौन से वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा ना बच्चों ये होगा टोटल तीन टाइप का, कौन कौन सा बेटा, तो पहला टाइप आप समझो, एक बार अरे एक बार इधर पहले इधर समझो, पहले बहुत बात नहीं हो यार तुम लोग है ना, तुमको बस बहाना चाहिए, पहला टाइप जिसको कहते हैं आइसोगैमी, बातें कितनी करवा लो इनसे है ना, पहला टाइप आ जाएगा आइसोगैमी, दूसरा टाइप तो दूसरा आ जाता है जिसको कहते हैं एन आइसोगैमी, वैसे मैं बता चुका हूं लेकिन फिर पढ़ा रहा हूं पूरा, मैंने कहा था कि एलगी में भी आएगा, पीछे भी मैंने पढ़ाया हुआ है फंजाई में भी, लेकिन फिर से पढ़ा रहा हूं, बोलो थैंक यू, एक ही टॉपिक को दूसरी बार पढ़ा रहा हूं है ना, नहीं तो मैं निकाल भी सकता था इसको डायरेक्ट, लेकिन फिर पढ़ा रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ जाए ठीक। तो आप देखिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, आइसोगैमी जो है, आइसोगैमी जो होगा इसमें क्या होता है, तो आइसो मतलब क्या होता है सिमिलर, और गैमी मतलब क्या होता है फ्यूजन, यानी आइसोगैमी जो होगा इसमें क्या हो जाएगा, बोथ मेल एंड फीमेल, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, स्ट्रक्चरली लिख दो या मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, उसको क्या कहते हैं आइसोगैमी कहा जाता है, उसको क्या बोलेंगे आइसोगैमी कहेंगे। अब ये जो आइसोगैमी है इसमें दोनों मेल और ध्यान से समझना, कहां गलती करवाएगा, गलती वाली चीज समझना, आपको ये पता है कि दोनों गैमेट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है,
तो दोनों के अगर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है तो या तो दोनों के दोनों मोटाइल होंगे या दोनों के दोनों नॉन मोटाइल होंगे, ये ध्यान रखना। कईयों के कई अरस्तु कई आइंस्टीन जो होते हैं हमारी क्लास में उनके माइंड में एक ही चीज बैठी होती है हमेशा, क्या कि आइसोगैमी में तो मेल और फीमेल जो है ना वो हमेशा गैमेट मोटाइल ही होते हैं। ना 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 ना, दोनों या तो मेल होंगे या दोनों ही नॉन मोटाइल होंगे, ठीक है। यानी यहां क्या लिखते हैं अपन, तो यहां लिख सकते हैं अपन कि या तो दोनों मोटाइल या दोनों नॉन मोटाइल होने वाले हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम लिखें तो एग्जांपल क्या होगा, पहला हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास, तो क्लेमाइडोमोनास पहला एग्जांपल, और दूसरा एग्जांपल हो जाएगा स्पायरोगायरा। देखना एनसीईआरटी एनसीईआरटी का गेम देखना आप, कैसे एनसीईआरटी आपको चक्रों में लेती है भाई साहब, कैसे एनसीईआरटी आपको चक्रों में फंसाएगी यहां पर देखना। तो एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है कि मेल और फीमेल गैमेटली मॉर्फोलॉजिकली या स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं, लेकिन दोनों या तो दोनों मोटाइल या दोनों नॉन मोटाइल। जैसे क्लेमाइडोमोनास जो होगा इसमें दोनों मोटाइल गैमेट होते हैं, क्लेमाइडोमोनास में दोनों क्या होंगे, मोटाइल गैमेट्स मिलेंगे, लेकिन स्पायरोगायरा में होती तो आइसोगैमी है लेकिन इसमें दोनों ही क्या होंगे, नॉन मोटाइल होंगे। बोलो जी, मजा आया, कहानी समझ आई, क्या है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। क्लेमाइडोमोनास में मोटाइल है, स्पायरोगायरा में नॉन मोटाइल है, ये ध्यान रखना। स्पायरोगायरा नॉन मोटाइल वाला आइसोगेमी करता है, यानी मेल और फीमेल दोनों नॉन मोटाइल है, क्लेमाइडोमोनास में मेल और फीमेल दोनों गैमेट मोटाइल होते हैं। तो फिर वही एन आइसोगेमी मतलब बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, दोनों अलग अलग होते हैं जी। मॉर्फोलॉजिकली क्या होंगे, दोनों अलग अलग टाइप के मिलते हैं, एक मोटाइल है तो एक नॉन मोटाइल है, एक छोटा है तो एक बड़ा है, सबसे अलग अलग टाइप के मिलते हैं। तो दोनों जब मॉर्फोलॉजिकली अलग अलग टाइप के होंगे तब क्या होगा, वो एनिसोगैमी। जैसे 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 आपसे अगर इसका एग्जांपल पूछा जाए तो क्या लिखेंगे जी, एनिसोगैमी का एग्जांपल क्या लिखोगे बताओ। तो एनिसोगैमी का वैसे एग्जांपल होता है तो ओडोरिना, ठीक है, एक एग्जांपल तो ये होता है, और एक जो है बेटा ये होता है क्लेमाइडोमोनास। अब देखना यहां पर कईयों का दिमाग खराब हो जाता है, ये क्या कर दिया गुरुजी, ये तो भूल गए गुरुजी ने गलत लिख दिया, नहीं है क्या। क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज तो ऐसी होती है जिनमें आइसोगेमी होता है, वापस कह रहा हूं ध्यान से सुन लेना, मेरे को पता फिर भी पूछोगे आप, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज होती है जिनमें आइसोगेमी मिलता है, कुछ स्पीसीज होती है जिनमें एनाइसोगेमी मिलता है, ठीक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्लेमाइडोमोनास में डोमिनेंटली ज्यादातर क्या मिलता है, तो क्लेमाइडोमोनास में ज्यादातर जो है वो आपके आइसोगेमी मिलेगा, और कुछ स्पीसीज होती है क्लेमाइडोमोनास की उनके अंदर एनाइसोगेमी भी मिलता है। ये बात क्लियर आ रही है, क्या बात समझ में, बोलो यस एंड नो, एनाइसोगेमी समझ में आ गया, ठीक है। ओगेमी क्या होगा, ओगेमी में क्या होता है, तो ओगेमी की कहानी शुरू करते हैं जी। ओगेमी में क्या होता है, देखो मेल गैमेट जो है इसका क्या होता है, तो हम कहते हैं ओगेमी में मेल गैमेट जो होते हैं वो एक तो होते हैं छोटे साइज के, चुन्नू से छोटे से होते हैं, स्मॉल और नॉन मोटाइल, सॉरी मोटाइल, कैसा होगा, तो ये छोटे साइज का भी होगा और मोटाइल भी होगा मेल गैमेट की बात करें तो। और फीमेल गैमेट, तो फीमेल गैमेट कैसा होगा, तो फीमेल गैमेट जो है ना ये होगा बेटा लार्ज, बड़े साइज का, तो बड़े साइज का होता है, और ये हो जाता है नॉन मोटाइल, ये नहीं जाने वाला कहीं पर, आना है तो मेल गैमेट को आना, इसलिए वो मोटाइल है। तो ओगेमी जो है ना इसमें फिक्स है, इसमें फिक्स है क्या कि मेल गैमेट स्मॉल है और मोटाइल है, तो फीमेल गैमेट लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगा। एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल क्या होगा इसका, तो एग्जांपल लिखिए जी, क्या होगा, तो इसका एग्जांपल होता है फ्यूकस, एक तो फ्यूकस होता है, एक हो जाता है वॉल्वॉक्स और एक हो जाता है पोली, इसको यार मेरी इच्छा है कि इसको अलग अलग में लिखूं, लिख दो क्या, बोलो लिख देना चाहिए ना, इच्छाओं का हनन नहीं होना चाहिए, इच्छा हो रही है मतलब लिख देना चाहिए, पॉलीसिफोनिया। अब अलग में क्यों लिखा है, ये कारण समझो अलग में क्यों लिखा है, क्योंकि अलग में ऐसे ही नहीं लिखा है पॉलीसिफोनिया को, पॉलीसिफोनिया इज द एग्जांपल ऑफ रेड एल्गी, और आपको याद होगा मैंने एक दिन कई वर्षों पहले एक बात लिखवाई थी, क्या कि हमारे ग्रुप जो है, हमारे जो सिलेबस है उसमें कुछ ग्रुप ऐसे जिनमें वो हमेशा नॉन मोटाइल होते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया, याद आया, साइनोबैक्टीरिया नॉन मोटाइल मिलेगा, फिर सेलुलर स्लाइमोल्ड्स, फिर एस्कोमाइसिटिस, फिर बेसिडियोमाइसिटिस, और रेड एल्गी नॉन मोटाइल होता है हमेशा, रेड एल्गी में कभी मोटिलिटी होती ही नहीं है। तो अब सोचो मैं कह रहा हूं पॉलीसिफोनिया में ओगेमी है, पॉलीसिफोनिया में ओगेमी है तो मेल गैमेट मोटाइल होना चाहिए क्या, ओगेमी में तो होना चाहिए, और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होना चाहिए, बात तो ठीक है, लेकिन पॉलीसिफोनिया तो रेड एल्गी आ गया, और रेड एल्गी आ गया तो क्या मेल गैमेट मोटाइल मिलेगा क्या, ना बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि रेड एल्गी में मोटिलिटी होती ही नहीं है कभी। इसीलिए इंपॉर्टेंट चीज क्या बनती है कि पॉलीसिफोनिया रेड एल्गी है उसमें ओगेमी तो होगी उसमें, लेकिन ओगेमी में भी क्या बोलेंगे कि इसके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, ये ध्यान रखना है बच्चों, यही है काम की चीज कि पॉलीसिफोनिया रेड एल्गी है और पॉलीसिफोनिया रेड एल्गी है, उसमें ओगेमी तो मिलेगा लेकिन ओगेमी में भी मेल और फीमेल दोनों ही नॉन मोटाइल मिलेंगे। ये एक एक्सेप्शनल केस है, आपको ये कहते हैं कि सर उसको फिर ओगेमी क्यों कहते हैं, तो उसका दूसरे रीजन है, तो वहां तक अपने को जाने की जरूरत है नहीं अभी, इतना याद कर लीजिए, इतना ही आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इससे ज्यादा करोगे तो स्वास्थ्य बिगड़ने का चांस है पूरे पूरे, और उल्टियां होने के गलत के साथ उल्टियां होने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। इसलिए आपसे यही निवेदन है कि आप इतनी ही चीजें करें, इतनी ही लिमिट में रहें और इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़े। समझ आई कहानी, फटाफट एक बार इसको रिवाइज करो फिर मैं आगे बढ़ूं जल्दी तुरंत यहां तक। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत काम आने वाली चीज है भाई साहब, आज प्रियंका जी आइसोगेमी होना चाहिए, आइसोगेमी नहीं है वो, क्लास बहुत जल्दी नहीं हो जाती, टाइम पता नहीं चलता क्लास, और मेरे को लगा अभी क्लास ओवर भी होने आ गई। जल्दी करो बेटा इसको फटाफट, यहां तक जितने एग्जाम्पल बताएं,
कल क्लास है क्या आप लोगों की? कल आप लोगों की क्लास है क्या किसी सब्जेक्ट की? अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हम सोच सकते हैं एक्स्ट्रा क्लास का। बताओ कल निर्माण में टेस्ट है, कितने बजे से है टेस्ट आपका? हाँ सर, निर्माण में ही टेस्ट है। कल सुबह सुबह क्लास रख ले, क्या बोलते हो? बोलो कल सुबह सुबह क्लास रख ली जाए। है ना, तो ऐसा करते हैं, सुनो कल मॉर्निंग में हमें क्लास रख लेते हैं और उस क्लास का टारगेट, यानी कि टाइमिंग कितना होगा उस क्लास का टारगेट एक रखेंगे हम लोग। क्या उसका टारगेट ये रखेंगे कि आपका कल थेलो फाइटा पूरा हो जाए। बोलो क्या कहते हो, कल थेलो फाइटा पूरा कर ले तो मंडे से हम बायो फाइटा शुरू कर देंगे फिर। बोलिए रेडी हो सब लोग, जल्दी बोलो। इसी के लिए अगर रेडी हो तो मैं क्लास शेड्यूल करवा दूँ कल, और कल थेलो फाइटा हम पूरा कर लेंगे फिर। है ना, नहीं शाम को नहीं, सुबह रखेंगे फिर, शाम का नहीं होगा, सुबह का रखेंगे फिर। है ना, तो कल हम इसको कंप्लीट कर देंगे थेलो फाइटा को। कल क्या क्लास रख ले तो कल, तो कल मॉर्निंग में हम रख लेते हैं 9 AM, आई थिंक सबसे बेस्ट टाइम है, 9 बजे सबसे बेस्ट टाइम है। आपके भी उठने में भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से 9 बजे उठे, और 9 बजे से तो कल 9 बजे आपकी बॉटनी की क्लास का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी लोगों को निमंत्रण है हमारी तरफ से कि कल सुबह 9 बजे, कल रविवार, कल संडे सुबह 9 बजे बॉटनी की एक एक्स्ट्रा क्लास का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप लोग सभी सहपरिवार आमंत्रित हैं, सभी आप लोग सहपरिवार आमंत्रित हैं। और उसके बाद में 9 बजे के बाद में जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके बाद में प्रसादी का प्रोग्राम भी होगा, खाने का प्रोग्राम भी होगा, तो सभी लोग जरूर पधारें। ठीक है जी, निमंत्रण स्वीकार है सबको। है ना, 9 बजे सही टाइम है बिल्कुल। हाँ आप चलिए, अब मैंने टाइम बता दिया है, बात खत्म। आप चलिए सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं। तो बेटा जी एल्गी जो होगा ना, देखो एल्गी जो है, एल्गी में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं हमेशा यूनिसेलुलर। एल्गी में सेक्स ऑर्गन कैसे होंगे? यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन होते हैं और नॉन जैकेटेड होते हैं। कैसे मिलेंगे? नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि सेक्स ऑर्गन जो होगा उसमें आपके एक ही सेल मिलेगी, और दूसरा वो हमेशा नॉन जैकेटेड, उसके बाहर की तरफ कोई प्रोटेक्टिव लेयर होती नहीं है पूरी एल्गी में। रेड एल्गी हो चाहे ग्रीन एल्गी हो चाहे ब्राउन एल्गी हो, जितनी भी एल्गी है, ठीक है, जितनी भी एलगी है सभी के अंदर यूनिसेलुलर होगा, नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अब आएगा हमारा वीआईपी, और वीआईपी क्या होता है? वीआईपी होता है जी कारा। वीआईपी क्या होगा यहाँ पर? कारा। और कारा जो है ये देखिए एग्जांपल किसका है, तो कारा इज ए एग्जांपल ऑफ ग्रीन एलगी। किसका एग्जांपल होगा कारा? ग्रीन एलगी का एग्जांपल होता है, और ग्रीन एलगी का एग्जांपल होता है, इसलिए सेक्स ऑर्गन होने तो कैसे चाहिए? होने तो चाहिए यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड, बट ये एक्सेप्शनल केस है बेटा जी। और कारा में सेक्स ऑर्गन कैसे मिलेंगे? तो कारा में सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं? तो सेक्स ऑर्गन जो है कारा के ये हो जाएंगे मल्टीसेलुलर। ये लो कैसा मिलेगा, मल्टीसेलुलर और साथ में जैकेटेड। ठीक है, तो ये जैकेटेड भी मिलता है। अब कैसे होगा, कौन कौन से मिलेंगे, वो आपको मैं जब एग्जांपल पढ़ाऊंगा तब इसका पूरा डायग्राम बना के पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो ये आपके यहां पर सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर और जैकेटेड होंगे। ठीक है, और दूसरा नॉर्मली एल्गी यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड टाइप के मिल जाते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं कि जो एल्गी है ना बेटा, इस एल्गी का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, जनरल फैक्टर हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, एल्गी के क्लासिफिकेशन की हम बात करने जा रहे हैं। और एल्गी के जब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो एल्गी का क्लासिफिकेशन जो किया जाता है ना वो किस बेसिस पर किया जाता है, तो एल्गी को हम टोटल यहां पर 3 ग्रुप में डिवाइड करने वाले हैं। बहुत मजा आएगा देखना, कुछ क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपसे। क्या क्वेश्चन पूछूंगा देखना भी। एल्गी को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बहुत बढ़िया। एल्गी को 3 पार्ट में डिवाइड किया, कौन कौन से में? तो एक को कर दिया हमने सबसे पहला जो है, इसको कह दिया जी ये हो जाएगा ग्रीन एल्गी। देखना क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इसमें क्वेश्चन बनाने का तरीका बताऊंगा। पहला कौन सा हो गया? ग्रीन एल्गी। दूसरा, तो दूसरा आ जाएगा ब्राउन एल्गी। ठीक है, तो ग्रीन एल्गी हो गया, दूसरा ग्रुप हो गया ब्राउन एल्गी का, और तीसरा, तो तीसरा ग्रुप हो जाता है इसमें रेड एल्गी। ठीक है, अब बात यह आती है कि ठीक है गुरुजी डिवाइड तो कर दिया, ठीक है, लेकिन हमने तो एक चीज पढ़ी आज तक कि जब भी किसी को कुछ डिवाइड किया जाता है क्लासिफिकेशन किया जाता है, जब भी डिवाइड किया जाता है क्लासिफिकेशन किया जाता है उसका कोई ना कोई बेसिस तो रखा जाता है। बात तो ठीक कर रहे हो भाई बाबू, बात तो ठीक कर रहा है, बेसिस तो रखा जाता है। अब बेसिस रखा जाता है तो क्या क्या बेसिस रखा जाएगा, ये है इंपॉर्टेंट चीज, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे जैसे फंजाई को जब हमने क्लासिफाई किया था तो उसमें क्या बेसिस रखा था? उसमें रखा था मॉर्फोलॉजी ऑफ हाइफी, हाइफी की मॉर्फोलॉजी क्या होती है ये रखा था, या फिर उसमें लिखा था फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है वो बताया था, या फिर स्पोर फॉर्मेशन क्लाउड फ्लोटिंग बॉडी फॉर्मेशन आ गया था, ये बेसिस हुआ करते थे फंजाई के। तो एल्गी को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं, फंजाई डिवाइड कर दिया मैंने, बात बताऊं फंजाई का क्लासिफिकेशन, तो ऐसे ही एल्गी को जब क्लासिफाई करते हैं तो किस बेसिस पर करते हैं? तो इसका सबसे पहला बेसिस क्या होगा, वो हो जाएगा पिगमेंटेशन। ठीक है, तो पिगमेंट्स के बेसिस पर सबसे पहला क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या, पिगमेंट्स, यानी कौन कौन से पिगमेंट इनमें प्रेजेंट होंगे। जैसे ग्रीन एल्गी है तो उसमें कौन सा पिगमेंट है, ब्राउन में कौन सा पिगमेंट है, रेड में कौन सा पिगमेंट है, पिगमेंट्स के बेसिस पर इनको डिवाइड करेगा। पहला क्लासिफिकेशन का बेसिस हो गया। दूसरा बेसिस, तो दूसरा बेसिस जो होगा वो हो जाएगा इसमें फ्लैजेलेशन। ठीक है, तो फ्लैजेलेशन यानी फ्लैजेला प्रेजेंट है या नहीं है, फ्लैजेला होगा या नहीं होगा उसके बेसिस पर। तो दूसरा आ गया फ्लैजेला की प्रेजेंस या एब्सेंस। तो पहला पिगमेंटेशन आया यानी पिगमेंट्स कौन-कौन से प्रेजेंट है, दूसरा फ्लैजेलेशन यानी फ्लैजेला प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, ये दूसरा है। तो तीसरा आ जाएगा सेल वॉल कंपोजिशन का मतलब है सेल वॉल जो बनी हुई है वो किससे बनी हुई है, सेल वॉल में कौन कौन से केमिकल हैं, सेल वॉल में कौन कौन से केमिकल इंक्लूड किए गए हैं, कि किसी में पेक्टिन आ जाता है, किसी में अगार आ जाता है, किसी में एल्जिन आ जाता है, कौन कौन से केमिकल सेल वॉल में प्रेजेंट होंगे उसके बेसिस पर। और लास्ट एंड फाइनल जो है वो आ जाएगा आपका रिजर्व्ड फूड। आप इसको रिजर्व्ड फूड कह दो या स्टोर्ड फूड कह दो, बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो रिजर्व्ड फूड या स्टोर्ड फूड जो होता है उसके बेसिस पर 4 बेसिस है। और ये ध्यान से सुन लेना, ये तो 4 बेसिस बताए हैं ना, यही 4 बेसिस होंगे जो आपके आगे फ्यूचर में काम आएंगे, यानी इन्हीं चारों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पिगमेंटेशन से या फ्लैजेलेशन से या सेल वॉल से या फिर इसके स्टोर्ड फूड से, इन्हीं से चारों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ये बात क्लियर हुई। तो अब हमारे पास ग्रुप कितने हो गए बेटा, तीन, ग्रीन एल्गी हो गया, ब्राउन एल्गी हो गया और रेड एल्गी। तो ग्रीन एल्गी को यहां पर अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे पहले हैबिटेट की बात कर लेंगे बेटा। अब देखना एक चीज और सुनना, जब अब मैं यहां पर तीनों एल्गी को कंपैरिजन में पढ़ाऊंगा, अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि कंपैरिजन करोगे तभी आपको चीजें क्लियर होंगी, तभी आपके नेगेटिव मार्क्स जो है वो कम होंगे। अदरवाइज क्या होगा, आप अलग अलग पढ़ोगे तो आपको एक समझ में आएगा, दूसरा समझ में आएगा, तीसरे तक पहुंचते चीजें मिक्स हो जाएंगी। इसलिए कोशिश क्या करें, कोशिश करेंगे तीनों को कंपैरिजन करें साथ में और फिर पढ़े। तो बेटा जी ग्रीन एल्गी की बात करें तो हैबिटेट क्या होता है, तो भाई आपको पता है एल्गी है तो इसका मतलब एक्वेटिक तो होना ही है, बिल्कुल बात ठीक है। तो ग्रीन एल्गी का हैबिटेट क्या हो जाएगा, एक्वेटिक। अब एक्वेटिक में भी ऑप्शन क्या हमारे पास, तो एक्वेटिक में फ्रेश वाटर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और दूसरा मैराइन वाटर में भी हो सकती है ग्रीन एल्गी, यस ठीक है। तो मैराइन वाटर में भी है और फ्रेश वाटर दोनों के अंदर ये प्रेजेंट रहती है जी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर आता है ब्राउन एल्गी। अब ब्राउन एल्गी के हैबिटेट की अगर मैं बात करूं तो होता तो एक्वेटिक ही है ये, लेकिन एक्वेटिक में भी स्पेशली अगर लिखें तो क्या एक्वेटिक, और एक्वेटिक में भी मोस्टली क्या होगा, तो मोस्टली मैराइन, ये ध्यान रखना। कैसे, आपने देखा अपने घर के आसपास में जो टेप लगा होता है, मतलब नल वगैरह जो लगे होते हैं, पानी जहां भरा है वहां ब्राउन कलर की एल्गी देखिएगा कभी आपने, बताओ देखे अपने घर के आसपास में ब्राउन कलर की एल्गी देखिए कभी, नहीं देखिए ना, अपने घर के आसपास में पानी कहीं भरा है, नल लगा हुआ है, तो उसके आसपास में कौन सी ग्रीन एल्गी तो मिलती है, तो फ्रेश वाटर में ज्यादातर ग्रीन एल्गी मिलती है, तो ग्रीन एल्गी के कुछ स्पेसिस मैराइन में भी मिलते हैं, लेकिन ब्राउन वाली मोस्टली मैराइन में मिलेगी। रेड, तो रेड भी होगी तो एक्वेटिक ही, एक्वेटिक है, और एक्वेटिक में भी वही सेम चीज क्या कि मोस्टली क्या होगी, तो मोस्टली मैराइन वाटर में प्रेजेंट है। बात यहां तक तो ठीक थी, लेकिन क्वेश्चन क्या यहीं तक बनेगा क्या, ना क्वेश्चन यहां तक नहीं बनेगा, यहां तक नहीं बनेगा, कहां तक बनेगा, वो क्या पूछेगा, वो ये पूछेगा रेड एल्गी जो होती है मैराइन वाटर में तो होती है, लेकिन लेकिन भाई साहब ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए कलर चेंज कर दिया, वार्मर एरिया में, यानी ये उस वाटर में प्रेजेंट होती है जहां का पानी थोड़ा सा गर्म होता है, बहुत ज्यादा उबलता हुआ पानी नहीं, वार्मर एरिया। वार्मर एरिया का मतलब जानते हो, वार्मर एरिया का मतलब जैसे ये ग्लोब है, उसमें ये जो इक्वेटर के आसपास का जो पानी वाला एरिया होता है, वार्मर एरिया में आता है, क्योंकि आपको पता है इक्वेटर पे टेंपरेचर ज्यादा होता है ना बेटा, तो यहां पर जो भी आपके वाटर बॉडी होगी उनका टेंपरेचर थोड़ा ज्यादा मिलता है, तो वार्मर एरिया की जो वाटर बॉडीज होती है उनके अंदर रेड एल्गी जनरली प्रेजेंट होती है। तो ये ध्यान रखना, रेड एल्गी के लिए अगर हैबिटेट की बात की जाती है तो वो क्या होगा, हमेशा वार्मर एरिया में होगा, इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारे लिए वो ये है, ठीक है पहला। अब दूसरा, तो दूसरा आता है इसके बाद में पिगमेंट्स, लगे हाथ बात कर लेते हैं पिगमेंट की भी। अब पिगमेंट की जब बात करेंगे बेटा, तो ग्रीन एल्गी में पिगमेंट कौन सा बोलो, तो ग्रीन एल्गी का जो पिगमेंट होगा वो हो जाएगा आपके क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इसमें लिखे तो अपन कह देंगे जेंटोफिल, ठीक है, जेंटोफिल भी इसमें प्रेजेंट है, ये डोमिनेंट इसलिए क्या होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्राउन एल्गी में क्या होगा बोलो, तो ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एक तो कौन सा जाएगा, तो क्लोरोफिल एक तो आ जाएगा क्लोरोफिल ए, और एक आ जाएगा क्लोरोफिल सी। याद कीजिए जब डाई एटम्स पढ़ाया था, याद आ रहा है मैंने कहा था हमारे सिलेबस में तीन ऐसी जगह जहां क्लोरोफिल सी मिलता है, डाई एटम्स में मिलता है, याद आ गया होगा, डाइनोफ्लेजिलेट में मिलता है और ब्राउन एल्गी में मिलता है, ये तीन ही ऐसे पॉइंट है जहां क्लोरोफिल सी मिलेगा, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा हमारे सिलेबस में। तो तीनों पॉइंट एक साथ को, डाइएटम्स में क्लोरोफिल सी मिलता है, डाइनोफ्लेजिलेट में क्लोरोफिल सी मिलता है और ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल सी मिलेगा, ये तीन पॉइंटों में आपको क्लोरोफिल सी ध्यान रखना है। लेकिन सर क्लोरोफिल तो ग्रीन कलर का होता है, तो फिर ये ब्राउन कलर का क्यों लिख रहे हैं, वो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसमें बच्चों मिलता है फ्यूकोजेंथिन, क्या मिलता है फ्यूकोजेंथिन मिलता है, और इसी फ्यूकोजेंथिन की वजह से ब्राउन एल्गी ब्राउन कलर की दिखाई देती है, ये ध्यान रखना, ए और सी तो मिलेगा मिलेगा लेकिन फ्यूकोजेंथिन की वजह से ब्राउन कलर की दिखाई देती है वो, ठीक। और रेड एल्गी में तो रेड एल्गी हो जाएगा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी, तो देखो क्लोरोफिल ए बी सी और डी सीक्वेंस भी बन गई, ए बी सी डी, ए बी सी डी, आगे बात सुनने, तो क्लोरोफिल ए और डी मिलेगा लेकिन क्लोरोफिल की वजह से तो ग्रीन, तो वो रेड क्यों है, रेड होता है किसकी वजह से बोलो, तो रेड होता है फाइको एरिथ्रिन, फाइको एरिथ्रिन जो पिगमेंट होता है, एरिथ्रिन एरिथ्रो एरिथ्रो वर्ड होता है रेड, हमेशा एरिथ्रो रेड के लिए आता है, एरिथ्रोसाइट्स रेड आरबीसी को कहते हैं, तो एरिथ्रिन फाइको एरिथ्रिन की वजह से वो रेड कलर का दिखाई देता है। ये आपके दो डिफरेंस मैंने बता दिए हैं ग्रीन एल्गी ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी के अंदर। ग्रीन एल्गी को क्या कहते हैं, क्लोरोफाइसी, ब्राउन को फियोफाइसी और रेड को क्लोरोफाइसी कहा जाता है, ठीक है जी यहां तक। तो ये अपना यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी शुरू हो चुका है, दो कैरेक्टर में बता चुका हूं और इसके बाकी कैरेक्टर जो है वो हम करेंगे कल की क्लास में, और कल की क्लास में हम एल्गी को पूरा निपटा देंगे, पूरा एल्गी कल की क्लास में हो जाएगा समाप्त। तो कल की क्लास के लिए हम मिलेंगे सुबह 9 बजे हम मिलेंगे कल की क्लास में, और मैंने कहा है आपको क्या है कल, किसका आयोजन है, कल बोटनी की एक्स्ट्रा क्लास 9 बजे आयोजित की जा रही है, जिसमें आप सभी लोग सह परिवार आमंत्रित